Good morning, everyone. Good afternoon, everyone. Online. Good afternoon, sir. चलो मतलब मेरी आवाज आ रही है सभी को, right? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. ठीक है. क्या किया था मैं last section में समझाने के लिए? एक मैच चला क्या किया था रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीबी वो टेबल बनाई थी क्या सीपी सीबी गामा पॉइजन रेशियो बना दिया होमवर्क दिया था सेक्शन ई सेक्शन ई सेक्शन पहले होमवर्क डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे ताकि थोड़ा सा और क्लियरिटी आए मैं चैट बॉक्स नहीं पढ़ पाऊंगा तो जब भी मैं क्वेश्चन नंबर सेक्शन बोलूंगा तुम्हें अनम्यूट करके बोलना है ऑनलाइन राइट एक्सरसाइज वन अप टू सेक्शन ई जो भी डाउट हो एक्सरसाइज वन पार्ट वन बी डी टू एक्सरसाइज वन पार्ट वन पहले डिस्कस कर रहे हैं सी टू और सी थ्री एक एक क्वेश्चन डी टू इन अ कंटेनर टू मोल्स ऑफ अ डायटोमिक आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड अगेंस्ट 180 एम प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम 2 टू 5 लीटर आइसोबैरिकली इन कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी क्वेश्चन है टू मोल्स एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम इज चेंजिंग फ्रॉम हियर टू हियर डेल्टा ई और डायटोमिक गैस तो गामा देखना है क्लियर चलो हम एक काम करते हैं सबसे पहले फर्स्ट ऑफ मोडालिटीज बताते हैं ये प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपांशन क्या जब कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर होता है प्रोसेस इरिवर्सिबल होती है क्या हमने ऐसा लिखा है whenever pressure is constant process will be irreversible so delta E equal to Q plus W here किस टाइप का प्रोसेस दे रखा है इसमें एडियाबेटिक वगैरह कुछ भी नहीं दिया है ना आइसोबैरिकली दे रखा है कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है बस प्रेशर इज कांस्टेंट और डेल्टा ई निकाला है हमें तो डायरेक्टली पी एक्स में डेल्टा ई के तो वर्क आ गया ये क्यू कांस्टेंट हो गया डेल्टा पी नहीं प्रेशर इज 180 प्रेशर पता है वॉल्यूम पता है सो हम डेल्टा ई को डायरेक्टली ये भी n cb delta b n का वैल्यू टू डायटोमिक के cb इज 5/2 आ डेल्टा t इक्वल टू माइनस t 5/2 आ t 2 को हम लिख सकते हैं t 2 v 2 बाय n r प्रेशर कांस्टेंट है आइसोबैरिकली प्रेशर इनटू वॉल्यूम 5 अपॉन n 2 r माइनस t 1 v 1 2 इनटू 1 by n r तो ये 2r और ये 2r कैंसिल हो गया डेल्टा ही आया हमारे पास 5/2 5 minus 2 3 15/2 7.5 यूनिट चल रहे हैं atm लीटर में क्लियर ये atm में लिया है हमें प्रेशर इनटू वॉल्यूम atm लीटर सो atm लीटर में ही आंसर दे रखा है तो यही आंसर हो जाएगा और जूल्स में कन्वर्ट करना होगा तो 7.5 into 101.3 सर T1 तो आएगा ना सर T1 तो 1 by R आएगा ना
वन वन बाय आर क्यों आएगा? अच्छा वही तो लिखा है, वही तो आएगा। तो जस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला, इसका कुछ भी यूज नहीं है। डेल्टा इज एनसीबी डेल्टा टी, सीबी का वैल्यू डायरेक्ट हमें केस के लिए डेल्टा टी टी2 माइनस सी1, और टी2 को हमने लिखा है टी2 पी2 अपॉन एना, और इसको लिखा है टी1 वी1 अपॉन एना। प्रेशर क्वेश्चन में आइसोबैरिक के लिए दे रखा है कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर इज कांस्टेंट 180, तो पी2 वी2 दिस इज पी2 वी2, टी1 वी1 दिस इज टी1 वी1। क्लियर है डी टू अभी सभी को? नेक्स्ट आओ पार्ट वन सी थ्री सर सी वन एंड सी टू सी वन एंड सी टू बी टू। अच्छा ग्राफ कैसे ड्रॉ करने हैं ये बताना, वैसे बाकी है थोड़ा सा भी, सेक्शन बी वैसे आज कवर हो जाएगा। चलो सी वन, कैलकुलेट द बर्डन बाय 0.1 मोल ऑफ अ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस to double its volume at constant pressure. सी वन क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बर्डन इज माइनस के एक्सटर्नल डेल्टा वी, प्रेशर इज कांस्टेंट आइसोबैरिक, तो प्रेशर को भी कांस्टेंट ले लिया, वी टू माइनस सी वन, पी को अंदर मल्टीप्लाई किया, पी वी टू इज एन आर टी टू, पी वी वन इज एन आर टी वन, माइनस साइन इज दिस, एन आर को बाहर गया, याद रखना समझ में आता है। इतने बहुत जरा नहीं क्वेश्चन है, आर का वैल्यू ऐसा यूनिट में, अच्छा कैलोरीज में दे रखा है, कैलोरीज में ले लेते हैं। तो पहला टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन है। क्या वॉल्यूम को डबल किया है प्रेशर को कांस्टेंट रखे? इफ यू आर कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट एंड यू आर इंक्रीजिंग वॉल्यूम बाय 2 टाइम्स एंड टेम्परेचर विल इंक्रीज बाय, पहले 300 का तो कितना होगा, तो फाइनल टेम्परेचर इज कैलकुलेट करते हैं हमेशा, तो एक नेगेटिव साइन आगे रख देंगे, हमारा ऑन द गेज आया माइनस 60 बाय द गेज कितना हो जाएगा, रखा है 60। Is that okay online? Yes, sir. Yes, sir.
क्या हमने रिवो आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्जन निकाला है 2.303 nRT log V1/V2 क्या डिराइव C2 किसका डाउट था ऑनलाइन C3 सर C3 चाहिए था और आइसोथर्मल प्रोसेस वर्टन इज 2.303 nRT log V1/V2 V1/V2 कांस्टेंट टेंपरेचर पर T2/T1 से रिप्लेस किया जा सकता है T2/T1 दे रखे क्वेश्चन क्या C2 अब हो जाएगा C2 जिसका भी डाउट था ऑनलाइन नेक्स्ट डाउट मुझे ग्राफ एक्सप्लेन करना बाकी है ना वो मैं आज बताऊंगा वैसे सारे ग्राफ C3 at 25 degree Celsius a 0.01 mole sample of a gas is compressed in a volume from 4 liter to 1 liter at constant temperature दे रखा है initial final volume दे रखा है C3 external pressure constant दे रखा है यहाँ पर अच्छा ये जो derivation था reversible isothermal के लिए था ठीक है यदि reversible isothermal नहीं है हम ये use नहीं कर पाएंगे यहाँ पे irreversible है C3 में T external delta V वर्ड क्या P एक्सटर्नल 4 बार दे रखा है हमें क्वेश्चन में माइनस 4 बार बार को कन्वर्ट कर लो असाइनमेंट पास हमें डेल्टा V के लिए क्वेश्चन में रखा है 4 लीटर टू 1 लीटर सो 1 माइनस 4 लीटर को कन्वर्ट कर लो मीटर क्यूब सो ये आ रहा है T 4 इनटू 100 1200 जूल आंसर कितना दे रखा है सिस्टम का 1200 ही सर देखो कोई आंसर 1200 वही है सर 1200 ठीक है C3 यस सर एनी अदर डाउट पार्ट 1 क्या कोई और डाउट है पार्ट 1 में नो सर पार्ट 2 A2 इन इट्स A5 हां पार्ट 2 डाउट B2 सर A2 एंड A5 मैं लिख लेता हूं बोलता है वो मैं सारे डाउट्स लिख लेता हूं हां सेक्शन ए इंडो A2 A5 A4 A5 सेक्शन बी सर A2 भी है सेक्शन बी सेक्शन B5 B5 सर B5 सेक्शन सी C2 C3 सेक्शन डी D2 बस A2 एंड A4 जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तुम्हें पता लगता जाएगा कि कौन सा प्रॉपर्टी इंटेंसिव है कौन सा एक्सटेंसिव तो अभी के लिए तुम
ठीक है, जितना तुम्हें इसको समझ में आ रहा है कि और भी पता लगेगा। मैं सीधे ए फाइव पे आ रहा हूँ। ए टू ए फोर इंफॉर्मेशन बेस है तो अभी कवर नहीं हुई। ए फाइव A5 किस तरह होगा? A5 में हमें एक टर्म दे रखा है इंसुलेटेड। इंसुलेटेड मींस हीट एक्सचेंज इज नॉट अलाउड। क्यों जी? क्या वहां पर वैक्यूम में जब हम उस बैलून को पंचर करेंगे वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपेंशन होगा? और वैक्यूम के अगेंस्ट जब भी एक्सपेंशन होता है ब्लड प्रेशर टू बी जीरो और के जीरो। थर्ड आते हैं हम डेल्टा, फर्स्ट लॉ पे डेल्टा इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये दोनों जीरो, ये भी जीरो, सम ऑफ द टेंपरेचर चेंज विल बी जीरो, कन्वर्जन ऑफ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ। मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू इस हेडिंग को करा रहा हूँ, लॉजिक में ध्यान देना है क्या हो रहा है। चलो अब एक मिनट बोर्ड पे देख लो। कन्वर्ट टीवी ग्राफ टू वीटी ग्राफ, प्रेशर वॉल्यूम को वॉल्यूम टेंपरेचर ग्राफ में कन्वर्ट करना है क्वेश्चन में। सो अलोंग वाई एक्सिस नीड टू टेक वॉल्यूम, अलोंग एक्स एक्सिस नीड टू टेक टेंपरेचर। नाउ क्लियर है? अब एक काम करते हैं, वन बाय वन चलते हैं, जहां भी ग्राफ को कन्वर्ट करना है एकदम बेसिक आइडियल केस इक्वेशन से हमें स्टार्ट करना है। टी इक्वल टू एना ये हमें ध्यान रखे आगे बढ़ना है। गैसेस स्टेट के लिए ग्राफ ड्रॉ किए गए, एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट करना है कोई भी ग्राफ। ये प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है बेसिक। क्या ए टू बी वॉल्यूम कांस्टेंट आ रहा है? यस, ए टू बी वॉल्यूम कांस्टेंट है। क्या ऐसे बी पर प्रेशर डबल हो रहा है? वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर डबल, क्या डबल होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। चलो ए से बी पे चले जाते हैं हम।
टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रखते हैं, किसी पॉइंट पर जहां चल रहा है ए लो बी ले, बट वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, ये वॉल्यूम एक्सिस है, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, इतना क्लियर। अब आ जाओ बी से सी पर, बी से सी पर जब आओगे क्या बी पॉइंट पर प्रेशर टू वॉल्यूम वन इन दोनों का प्रोडक्ट, और सी पॉइंट पे प्रेशर वन वॉल्यूम टू इन दोनों का प्रोडक्ट सेम आ रहा है क्या? इसका मतलब P1 V1 equal to P2 V2 ऐसा तो वैलिड होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बॉयलर्स का के लिए टेंपरेचर कांस्टेंट है, तो बी से सी क्या कांस्टेंट है? टेंपरेचर किस एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर। अब वर्टिकल लाइन आ जाएगी और वॉल्यूम बढ़ रहा है कम हो रहा है? 1 से 2 लीटर कम हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। क्लियर? तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेंपरेचर कांस्टेंट किया है सी पर, इतना क्लियर है। अब आ जाओ सी टू डी, क्लियर? सी टू डी क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा है, प्रेशर, यदि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, टेंपरेचर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज कर दो वॉल्यूम कांस्टेंट रखना। क्लियर? अभी हमें ये नहीं पता कि ए और डी सेम वर्टिकल लाइन पे होंगे या नहीं होंगे, वो आगे देखेंगे। क्या ए पॉइंट पर और डी पॉइंट पे प्रेशर इनटू वॉल्यूम 2 × 0.5, डी पॉइंट पर 0.5 प्रेशर वॉल्यूम 2, सर, यस सर, वो बी पॉइंट पे प्रेशर 3 है ना, 3 atm बी पॉइंट पर प्रेशर 2 atm 0.5, 1, 2, 1 and 2 क्लियर है? अभी कैसे मिले यहाँ पर रब कर दूं?
ए से बी पर गए, क्या ए से बी पर बी फाइन में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डेल्टा एच पॉजिटिव हुआ है नहीं? कैन वी से दैट डेल्टा एच एंड सीपी डेल्टा टी, ये पॉजिटिव तो ये है, किस किस ऑप्शन में डेल्टा एच पॉजिटिव दे रहे हैं? अब आते हैं हम वर्क पर। अब मुझे बताओ वर्क यहाँ पर क्या होगा फॉर्मूला? टी एक्सटर्नल डेल्टा वी, क्या प्रेशर ए और सी पे ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है? यदि प्रेशर कॉन्स्टेंट है वॉल्यूम चेंज क्या हो रहा है इसे ऑब्जर्व कर लेते हैं। क्या टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे हैं? तो PV equal to nRT से if we observe pressure constant, temperature is increasing, volume sure, so volume is increasing, delta V will be positive, work will be negative. This option was negative. C. Is that okay everyone online? Yes sir. Yes sir. Yes sir. इसके बाद C2. इसका राउट है C2। आइसोथर्मल रिवर्सिबल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सारे वैल्यू पुट करो आंसर निकालो। C2 कैलकुलेशन है, चेक कर लेना इसके बाद। C3 तो क्लास में किया है, बड़ी बार ये भी एक्सप्लेन कर लेंगे। बर्टन बाय द केस पूछ रहा है, हम ऑन द केस निकालते हैं उसे कुछ। हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट एरिया इनक्लोज इन द ट्रायंगल 5V1V1 आता है, हमारा माइनस साइन आना चाहिए, प्लस रखा है क्योंकि बाय द केस पूछ रहा है C3 ने। D2, क्या हमने कल सीपी माइनस सीवी कैलकुलेट किया था? कितना किया था? क्या ये मोलारिटी कैपेसिटी है? मोलारिटी कैपेसिटी मतलब फॉर वन मोल और ये एक मोल के लिए हो जाएंगे तो डबल टू और हो जाएगा, एक मोल के लिए डिफरेंस और दो मोल के लिए डिफरेंस। एक और ऑप्शन है सर, कोई डाउट अभी यहाँ तक ऑनलाइन? एनीवन क्लियर इधर? सुमन उस दिन के बाद आ रही है, 8 दिन के बाद दूर है घर से। ठीक हो, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च और मे बी लास्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी सर ऑफलाइन आना चालू कर दें। सेक्शन ही ले रहे हो क्या? सेक्शन ई तो तुम बोलो ना, डाउट मैंने काम में ना किया है, तुम कोई कुछ डाउट बोलो। शरीफ भाई, शरीफ है E5 when two moles of hydrogen atoms join together to form a mole of hydrogen molecule in a closed visit vessel, तो वर्क डन तो जीरो होगा, क्यों जीरो होगा? वर्क डन रिजिड वेसल है, बाउंड्री में कोई नॉन मूविंग। अच्छा मुझे बताओ जब बॉन्ड्स बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, तो जब भी बॉन्डिंग होती है बॉन्ड फॉर्म होता है, रिलीज फ्रॉम द सिस्टम, हेंस डेल्टा यू विल बी नेगेटिव, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इज दैट ओके E5? यस सर, यस। और कोई डाउट सेक्शन ई में? टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, मोलर इंपॉर्टेंट मींस टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम पर यूनिट मोल,
हम नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर रहे हैं तो सिंपल आठ बोल दिया जाता है। एक का यूनिट जूल है तो दूसरे का जूल पर मोल। जैसे कौन सी प्रॉपर्टी अलग होगी? हाँ अब देखो दो चीजें, मास डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम मतलब एक यूनिट वॉल्यूम का मास, वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जब हम पर यूनिट बात करते हैं वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सिस्टम एज अ होल। हम कर रहे हैं वो सिस्टम कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, मुझे तो आप एक मोल का बता दीजिए। तो यदि वन मोल का बताना है तो फिर पर मोल इंटेंसिव हो गया। हम छोटा भी सिस्टम ले रहे हैं कि हम सिस्टम को डिवाइड कर रहे हैं छोटे छोटे पार्ट में, उससे हमारा पर मोल वाला कुछ कितना लगेगा। हमें तो अभी भी आंसर ये रिपोर्ट करना है ना, एनर्जी पर यूनिट मोल, चाहे सिस्टम छोटा हो या बड़ा हो। तो एज अ होल व्हेन वी कंसीडर द सिस्टम वी नीड टू रिपोर्ट पर यूनिट मोल। छोटा लोगे तब भी पर यूनिट मोल वो चेंज नहीं, इससे वो इंटेंसिव हो जाता है और एंथैल्पी एक्सटेंसिव हो जाता है। जैसे मास एक एक्सटेंसिव है बट मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इंटेंसिव। चले हम आगे, राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग। मैं वेट कर रहा हूँ, कॉपी करो पूरा एक्सप्लेन करता हूँ।
आइसोथर्मल प्रोसेस कॉपी किया है आई थिंक सभी ने बोर्ड पे देखा सॉरी आइसोथर्मल प्रोसेस कांस्टेंट टेंपरेचर टी कांस्टेंट डेल्टा टी जीरो यदि डेल्टा टी जीरो तो डेल्टा ई जीरो में अगेन ओनली फॉर द प्रोसेस नॉट फॉर द केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दो नॉन जीरो में इवन इफ डेल्टा टी रुक जा रही ओके मैं कर q plus w equal to delta e फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा ई जीरो q plus w should be zero so q को लिख सकते हैं minus of order पे जाओ ये दोनों के लिए वैलिड हो वैलिड है चाहे रिवर्सिबल हो और इरिवर्सिबल और बोथ द केस दिस इज वैलिड अब आते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस पर पीवी कांस्टेंट रिलेशन फॉर प्रेशर एंड वॉल्यूम इन केस ऑफ कांस्टेंट टेंपरेचर ये ग्राफ ड्रा करने में यूज आएगा एक्सटर्नल इंटरनल प्रेशर जिसको हम लिख सकते हैं रिवर्सिबल के लिए तो वर्डन ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले और वापस इसका डेरिवेशन हमने देखा 2.303 एनआरटी लॉग गिवन बाय v2 और कांस्टेंट टेंपरेचर पे गिवन बाय v2 इज इनवर्स रिलेटेड टू प्रेशर इनटू बाय v1 तो एक क्वेश्चन में भी यूज किया था क्लियर वापस से वो डिराइव किया है q को माइनस करके लिखा तो ये वर्डन आ गया उसके सामने माइनस साइन को क्यू आ जाएगा अब एग्जाम में हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा वो कंफ्यूज कर सकते हैं यहां माइनस कर दिया यहां पे v2 / v1 कर दिया यहां पे p1 / p2 कर दिया तो माइनस प्लस साइन लॉग तो मैथमेटिक्स उसके साथ थोड़ा आगे चेक कर सकते हैं तुम एक फार्मूला याद रखोगे बाकी सारे डिराइव कर कंफ्यूजन नहीं होगा मुझे भी ये स्टैंडर्ड फार्मूला मैंने याद रखा है तो कुछ भी होगा इससे रिलेट करके 15 20 30 सेकंड में उसे पता कर पाएंगे इजीली करके कोई डाउट यहां तक चलें इरिवर्सिबल पर हम be irreversible isothermal process अब इसमें भी दो केसेस हैं when external pressure is constant constant external pressure के against expansion burden माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा क्यू इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा सो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है क्या ये हम एक मिनट बोलते हूँ क्या मैं ऑलरेडी पहले भी डिराइव कर चुकी वर्डन ड्यूरिंग एक्सटर्नल कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर पी एक्सटर्नल डेल्टा तो वही इस केस में क्या नथिंग इज स्पेशल हाँ रही बात डेल्टा ई और डेल्टा एच की वो तो जीरो होना ही और both of them चाहे reversible हो या irreversible हो तो हमने इससे पहले ही कहा ना generalization for isothermal process is that okay to everyone online please confirm yes sir अभिराज साक्षी रुशव एक की आवाज नहीं है इधर सर दर्शना हितेश ईशान लक्ष्मी इधर ओके यस सर यस सर यस expansion against vacuum इसका मतलब external pressure कितना हो गया यही केस है इसका एक सब केस है external pressure constant which is zero तो बता दो वर्क कितना होगा zero into something is zero वर्क zero तो क्यों भी जीरो यार वन जीरो क्यू जीरो डेल्टा ई डेल्टा एस तो पहले से ही जीरो थे डेल्टा टी जीरो अब इसमें नॉन जीरो क्या होगा मतलब ये एडियाबेटिक प्रोसेस भी है आइसोथर्मल भी पता है एक्सपांशन अगेंस्ट वैक्यूम इट विल बी बोथ एडियाबेटिक एज वेल एज आइसोथर्मल दोनों ही होगी क्या नॉन जीरो होगा क्या एक्सपांशन हो रहा है
एक्सपांशन हो रहा है, यही तो हेडिंग है ना, क्या वॉल्यूम चेंज होगा वहां पर। अरे एक्सपांशन का मतलब ये हो ना वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो वॉल्यूम चेंज होगा, सो डेल्टा वी विल बी नॉन जीरो। जो नॉन जीरो है वो भी मैं बता रहा हूं, डेल्टा वी नॉन जीरो, प्रेशर भी कम होगा, डेल्टा पी नॉन जीरो, और दो प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो आगे पढ़ेंगे तो भी मैं यहां पे दिखा देता हूं, ये भी नॉन जीरो। एंट्रोपी चेंज एंड गिव्स द एनर्जी क्यों होंगे, ये हमें सेकंड एंड थर्ड लॉ पता लगेगा। जब हम एडियाबेटिक पढ़ रहे होंगे ना तो ये दोनों केस सेम हो जाएंगे, जो एडियाबेटिक यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, एडियाबेटिक में वन और बट टू का रिलेशन पता लगाया। सर यस सर, वो डेल्टा भी नॉन जीरो क्यों है वो बताओ ना एक बार। इसका मतलब क्या होगा, क्या एक्सपांशन का मतलब ये होता है वॉल्यूम बढ़ रहा है? यस सर। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो जीरो कैसे लिख देंगे फिर हम, राइट? यस सर, थैंक यू। एक मिनट सर। यू हैव फोर्थ लेक्चर टुडे, चलो मैं इसमें इरिवर्सिबल पहले लेता हूं क्योंकि वो सेमी केस है। ए इरिवर्सिबल एडियाबेटिक, अब इसमें दो पॉसिबिलिटी आएंगी, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट। अब जब एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वर्क कितना हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा पी, और डेल्टा ई होता है वर्डन विच इज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा। दैट मींस डेल्टा इज एनसीवी डेल्टा टी एज वेल एज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी इरिवर्सिबल अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांशन। इज दैट ओके, कोई डाउट यहां पर? एक्सपांशन अगेंस्ट वैक्यूम सेम केस जो पहले था, इवन ये भी सेम है, बस ये रिलेशन है ऐड हुआ है। कल लोगों तो एडियाबेटिक में सबसे पहले हमने देखा ई रिवर्सिबल, रिवर्सिबल उसके बाद देखेंगे। सर वो पॉजिटिव साइन कैसे है? क्या बोल रहे हो सर? वो डेल्टा ई इक्वल्स टू वर्क इक्वल्स टू पॉजिटिव कैसे है वो?
चले आगे। ठीक है बट अभी सर्दी वगैरह तो पूरा सारा मतलब इंटरवल किसी को भी और वेकेशन लेके चलना तो कहीं भी कुछ ऐसा लगता है कि हाँ तो कैसे वगैरह करा लें वो इसलिए कि ताकि कुछ हो बैठा तो हमें जल्दी पता लगे रिकवरी जल्दी मतलब ऐसा नहीं हो किसी और चीज का ही मेडिसिन लेना आंसर कंप्लीटेड पता है जैसे हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट था यहां पर एक रिलेशन होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम पावर गामा कांस्टेंट ऐसा रिलेशन आता है हमारे पास इसे मैं डिराइव करके बताता हूं अगेन डेरिवेशन इज नॉट मच यूजफुल फॉर यू बट हां ये रिलेशन हमें याद रखना है रिवर्स में रहेगा तो नोट कर देखना d equal to du plus dw इतना क्लियर है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एडियाबेटिक du is zero क्या d को हम एनसीबीडीटी लिख सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म है एनसीबीडीटी इज अगेन एनसीबीडीटी इज स्मॉल थिंग और dw को क्या लिख सकते हो pd रिवर्सिबल है तो p एक्सटर्नल p इंटरनल के इक्वल जैसे हम p लिख सकते हैं इधर ओके अब इसके बाद NCBDT minus PDT. CD का वैल्यू बताओ क्या होता है या काम करते हैं इसको CD के फॉर्म में लेने देते हैं एंड P को चेंज कर दो NCBDT क्या हम P को minus NRT by V लिख सकते हैं प्रेशर कैन बी रिप्लेस बाय NRT by V क्लियर हुआ अब प्रोसेस कर लेते हैं एंड कैंसिल CV upon R dt by t इस t को डिवाइड किया इस R को डिवाइड कर दिया लेफ्ट साइड बचा माइनस dt by t विदाउट यहां था अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो लिमिट v1 टेंपरेचर t1 t2 वॉल्यूम v2 t1 v1 t2 v2 चलो क्या इंटीग्रेशन आएगा इसका ln t ln t2 by t1 और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा ln v2 by t1 minus sin ना क्लियर है सभी को क्या cv by r का कुछ वैल्यू होता है cv और r में क्या रिलेशन cv equal to r upon gamma minus 1 cv upon r is चलो एक काम करो इस CV by R को यहाँ पर R by CV बस तो R by CV का वैल्यू गामा माइनस वन ln T2 by T1 इस माइनस साइन को अंदर ले दो और इसको पावर में ले दो ln माइनस साइन अंदर जाएगा तो V1 by V2 क्या हो जाएगा R by CV इसे हम गामा माइनस वन से रिप्लेस करें कोई डाउट यहाँ तक किसी को ln a equal to ln b क्या हम बोल सकते हैं this quantity should be equal to this ln x equal to ln y तो x और y equal to 9 ln के साथ जो भी हो so t2 upon t1 equal to b1 upon b2 power r upon c clear ln को cancel कर दिया अब b2 को यहाँ multiply करो t1 को यहाँ multiply करो t1 b1 r upon c b t2 b2 R upon CV. R by CV को replace कर दो गामा माइनस T1 P1 गामा माइनस 1 T2
T2 gamma minus 1, हम ये लिख सकते हैं temperature into volume power gamma minus 1 is constant. Clear? कोई doubt यहाँ पर? No sir. Again matter नहीं करता, जो final relation पूछा था matter करता. चलो जल्दी से एक मिनट बोर्ड पे देख लो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ना. यहाँ तक हमने रिलेशन मिला है. अब हम क्या करते हैं? फॉर द आइडियल केस TV पावर गामा माइनस 1 है, T को रिप्लेस करते हैं TV अपॉन NR. N एंड R बोथ आर कांस्टेंट, कांस्टेंट में मल्टीप्लाई किया कुछ अलग कांस्टेंट बट कांस्टेंट ही रहे. T पावर 1, D पावर 1, D पावर गामा माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 कैंसिल और गामा आ गया. सो प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन आ गया. अब वॉल्यूम को रिप्लेस कर दिया NRT अपॉन जनरली ये याद रखा जाता है प्रेशर वॉल्यूम. और ये किसके लिए वैलिड है सर? रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए. ई रिवर्सिबल एडियाबेटिक के लिए वैलिड नहीं. चलो
अभी तो हमने सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन डिराइव किया, अब इसका वर्क डन भी चेक कर लेते हैं क्या होगा। PV3 का गामा कांस्टेंट, दैट मींस T1V1 गामा इक्वल टू T2V2 गामा इक्वल टू एंड सो ऑन। जैसे आइसोथर्मल में PV का गामा कांस्टेंट है, कि PV कांस्टेंट है, PV का गामा कांस्टेंट क्लियर है ना। वर्क का फॉर्मूला माइनस PdV फॉर रिवर्सिबल, T को रिप्लेस कर दो कांस्टेंट K अपॉन माइनस लोअर लिमिट d1। अब हम क्या करते हैं इसके बाद, k को अंदर में टिकाए कर दो माइनस साइन को दूसरे, k v2 पावर माइनस गामा प्लस 1, k v1 माइनस गामा प्लस 1 अपॉन d माइनस साइन नीचे आएगा तो ये माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा। क्या k को हम इससे कुछ रिप्लेस कर सकते हैं, p2 गामा और t1 v1 गामा। जब तुम v2 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये यूज करो, v1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये यूज करो, बताओ कितना आएगा, p2 v2 पावर गामा इनटू v2 की पावर माइनस गामा प्लस v2 आएगा माइनस गामा प्लस गामा, कैंसिल हो गया, सिर्फ पावर में मुझे बचा वॉल्यूम के और p2 एज इट इज, सो वर्क डन कितना आ गया हमारे पास, p2 माइनस p1 विदाउट इसमें आइसोकोरिंग प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट डेल्टा बी जीरो, डी बी जीरो, वर्क इज जीरो।
बाकी फिर जो नेक्स्ट भी प्रोसेस है इन्हें हमें बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क जीरो, हमें क्यू डब्ल्यू डेल्टा आई डेल्टा एच कैलकुलेट करना है, क्यू विल बी डेल्टा आई और डेल्टा आई कितना होता है इसी मीटर हट, क्या कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एक्सचेंजर में लास्ट क्लास में डिराइव करा क्यू टी इज एनसी डेल्टा टू, याद है ना कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एक्सचेंजर एक कांस्टेंट वॉल्यूम क्यू बी एनसी डेल्टा टी, एक कांस्टेंट प्रेशर क्यू पी इज एनसी डेल्टा टी, याद था लास्ट क्लास में डिराइव, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर कांस्टेंट प्रेशर पर साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी स्टेट फंक्शन है सभी का चेंज जीरो, व्हाटएवर द इनिशियल पोजीशन दैट विल बी द फाइनल पोजीशन, तो जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है उनका चेंज जीरो, सिर्फ नॉन जीरो का होगा यहां पर वर्क एंड हीट जो पास बाकी सब जीरो। कोई डाउट इन केसेस में? कॉपी करो जरूर। हमें अब इन सारे प्रोसेस को आइसोथर्मल आइसोबारिक एडियाबेटिक आइसोकोरिक ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले स्लोप निकाल लेते हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ का, क्या डी बाय बाय डीएक्स स्लोप होता है पता है इस एमएच में, तो पीवी कांस्टेंट दोनों को वॉल्यूम को वॉल्यूम से लेफ्ट साइड राइट साइड डिफरेंशिएट करते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड स्लोप आ गया, सेम पीवीटी पर गामा में स्लोप निकाल लिया हमने, एक बार आ रहा है स्लोप माइनस पी बाय बी, सेकंड टाइम माइनस गामा पी बाय, सिर्फ गामा एक्स्ट्रा आ रहा है और जो गामा था बाकी सब कुछ सेम, इसका दोनों का स्लोप नेगेटिव, इसका स्लोप ज्यादा नेगेटिव, इसका स्लोप कम नेगेटिव, कर लो
जैसे दो प्रोसेस है, एक है आइसोथर्मल, एक एडियाबेटिक। चलो ग्राफ वन ग्राफ टू क्या लगता है, ग्राफ वन एडियाबेटिक होगा या ग्राफ टू एडियाबेटिक होगा? स्लोप जीरो, जैसे से हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं स्लोप नेगेटिव होते जा रहा है, पहले स्लोप जीरो था, ये स्लोप जीरो। एज वी आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन स्लोप इज इंक्रीजिंग, इससे जैसे ही ऐसे जाओगे स्लोप नेगेटिव तरफ बढ़ता जाएगा माइनस, और ऊपर जाते तो प्लस इंफिनिटी पॉजिटिव डायरेक्शन बढ़ता था। इस पॉइंट पे स्लोप चेक कर लेते हैं जहां पे वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक स्लोप ये रहा थीटा, दूसरा स्लोप हमारे पास ये रहा थीटा डैश। कौन सा एंगल ज्यादा है और सेकंड सेकंड ज्यादा है, ये ज्यादा है थीटा ज्यादा है, मतलब वन का स्लोप टू से ज्यादा है, तो पहला क्या रहा होगा एडियाबेटिक, जिसका ज्यादा नेगेटिव स्लोप वो एडियाबेटिक, और दूसरा क्या रहा होगा आइसोथर्मल। हमें सिर्फ ये देखना है हॉरिजॉन्टल एक लाइन सपोर्ट से तुम जिससे जाओगे तो पहला आएगा वो है, तो बाद में आएगा वो एडियाबेटिक। सर हॉरिजॉन्टल लाइन कांस्टेंट प्रेशर, वर्टिकल लाइन कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोकोरिक आइसोबारिक, ये दो ग्राफ ऊपर ड्रॉप की है, इसका हम जीरो स्लोप से जैसे से आ रहे हैं आइसोथर्मल का स्लोप आया जो कम नेगेटिव, उसके बाद एडियाबेटिक का स्लोप। तो ये ध्यान रखना ऊपर और नीचे ऐसा याद नहीं रखना है, तुम देखो कि यहाँ पे ग्राफ वन ऊपर है और यहाँ पे ग्राफ वन नीचे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद एरिया वेट ऊपर चलाता है, तो दिस इज रॉन्ग थिंग टू रिमेंबर, अपर वन इज आइसोथर्मल और एरिया वेट, डाउन लोअर वन इज आइसोथर्मल और एरिया वेट, बट देयर इज इट्स सो ज्यादा नेगेटिव को एरिया वेट, ऐसा आया था लॉजिकल। चलो कोई डाउट यहाँ तक? सर ये स्लोप आपने ऐसे उल्टा कैसे लिया, क्योंकि x पॉजिटिव x एक्सिस से हम लोग स्लोप लेते हैं ना? नहीं आवाज आई मुझे प्रॉपरली, क्या रहा होता है फिर से पूछो। आपने स्लोप ऐसे लेफ्ट साइड से क्यों लिया, मतलब राइट साइड से लेंगे ना हम लोग स्लोप तो? चलो राइट साइड से लेके देख लेते हैं। क्या नाम है तुम्हारा, नाम बताओ पहले। प्रीति। क्या नाम है? प्रीति सर, प्रीति। प्रीति तो नाम उतना तो नाम चेंज करो ना, उसको रिनेम करके रखो। ओके देखो ऐसे कर लेते हैं बस, जैसा तुम चाहते ये एंगल ले लेते हैं हम थीटा, अभी तुम चेंज करते हैं ना जो पहले लिखा वही लिखे रखना, मैं जस्ट एक्सप्लेन इसको ले लेता हूं थीटा डैश जस्ट फॉर एग्जांपल। अब ये क्या 90 से बड़ा है, 90 plus theta, yeah, काम करो। negative cot
इसका स्लोप क्या होगा, कर्व टू का स्लोप 180 माइनस थीटा डैश, ये कर्व टू का स्लोप आ रहा है राइट, 180 पूरा 180 माइनस थीटा डैश, और cos कर्व का स्लोप कितना आ रहा है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा कितना होता है नेगेटिव 10 थीटा, माइनस 10 थीटा, तो आ गया माइनस 10 थीटा डैश और ये आ गया माइनस 10 थीटा। अब तुम ये बताओ ये एंगल ज्यादा, तो ये ज्यादा नेगेटिव, और ये एंगल कम, तो ये कम नेगेटिव। अभी ठीक है क्या प्रीति? यस सर। कोई डाउट यहां तक? Homework will be मेरा फर्स्ट लॉ वैसे कंप्लीट हो गया है, तो एक्सरसाइज वन कंप्लीट, एक्सरसाइज टू पार्ट वन तक कंप्लीट, मेरा फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो चुका है। So, thermodynamic one, तुम पूरा अटेंड कर सकते हो चलो, बट स्टिल कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं हो पाया, तुम्हें बहुत ज्यादा वर्क नहीं दे रहा हूँ। एक्सरसाइज वन में बचे हुए सेक्शन कंप्लीट है, क्लियर, फेज ट्रांसफॉर्मेशन वाला छोड़ देना, सेक्शन एक मत करना भी है, और एक्सरसाइज टू में अप टू पार्ट वन, ठीक है इतना। ध्यान रखना जहां पे इनवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस आएगा ना, वहां पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ पीवी इक्वल टू एनआरटी से कैलकुलेशन किया जाता है। मुझे पता है जब मैं डाउट दे रहा हूँ मुझे सारे क्वेश्चन तुम्हारा मेरे पार्ट पे लास्ट टॉपिक है, इसके बाद 12th स्टार्ट होगा, बाकी ऑर्गेनिक में एस ब्लॉक तक जाएगा। Thank you.